बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल टॉक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग्स। हमने 10th क्लास के बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर यानी फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया था, और फार्माकोलॉजी में जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स हम किसे कहते हैं और ड्रग्स के कौन कौन से टाइप्स हैं और ड्रग के सोर्सेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ड्रग्स के ड्रग्स किसे कहते हैं। सो एनी सब्सटेंस व्हेन अब्सॉर्ब इनटू द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टर्ड नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी या नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज नोन एज ड्रग। एनी सब्सटेंस जो बॉडी एब्जॉर्ब करे और बॉडी में जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसको अल्टर करे, अल्टर मीन उसमें चेंज अगर हो जाए, किस वजह से, इस सब्सटेंस की वजह से, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्रग्स कहते हैं। याद रखिए ड्रग्स का वर्ड जब भी आता है तो हमारे जहन में एक ही लफ्ज़ आता है कि जो इलीगल सब्सटेंसेस है, जो हीरोइन, चर्स एट्सेट्रा, ये तमाम हमारे पास ड्रग्स हैं। मगर ड्रग्स के दो बेसिक कैटेगरी है, वो बाद में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ड्रग्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये ड्रग्स चला जाए उसी वजह से हमारे साथ बायोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं, जो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें चेंज अगर हो जाए उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रग्स। अब ड्रग्स के दो बेसिक टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जिसे आपके बुक में उसे नाम दिया गया है मेडिसिनल ड्रग्स, उसे मेडिसिनल ड्रग्स भी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं, एनी केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन द डायग्नोसिस, वो केमिकल सब्सटेंस ड्रग्स की वो किस्म या वो सब्सटेंसेस, ये भी हमारे साथ ड्रग्स की किस्म है। अब ड्रग्स की दो मेन टाइप्स है हमारे पास, एक हमारे साथ है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जिसे हम मेडिसिनल ड्रग्स भी कहते हैं, और दूसरी है एडिक्टिव ड्रग्स। पहले हम पढ़ते हैं अबाउट फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में कि मेडिसिनल ड्रग्स किसे कहते हैं। तो वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल्स जो यूज़ होते हैं किसने, डायग्नोसिस के लिए, तशखीस के लिए, एक बीमारी मालूम करने के लिए, कैवर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं उसे हम मेडिसिनल ड्रग्स कहते हैं। और ये एडिक्टिव ज़्यादातर नहीं होते, ये एडिक्टिव नहीं होते। तो फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो डायग्नोसिस के लिए, जो कैवरिंग के लिए, जो ट्रीटमेंट के लिए या जो प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं एक खास किस्म डिजीज के, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स कहते हैं। अच्छा, अब एडिक्टिव ड्रग्स किसे कहते हैं, सो मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम, वो ड्रग्स जो इंसान को आदि बना देता है उसे हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं, जो एडिक्शन काज करे। द पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम आर एडिक्टेड, जब पर्सन एडिक्ट करे उसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, मिसाल के तौर बहुत से टैबलेट या बहुत से इंजेक्शन लोग यूज़ करते हैं जो एडिक्ट हुए होते हैं उन टैबलेट्स के। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फ्राजुलाम है या ब्रोमाजिफाम है, डिफरेंट ड्रग्स लोग जो स्लीपिंग के लिए यूज़ करते हैं या और नशे के लिए जो अद्वियात यूज़ होते हैं, तो वो एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं। वो इंसान के जिस्म में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक खोर बना देता है, मीन के इंसान को एडिक्ट कर देता है। तो ये इंसान में एडिक्शन काज करते हैं, ठीक है, इंसान डिपेंडेंट बना देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। पर्सन बिकम फैमिलियर टू इट एंड यूजर कैन नॉट फंक्शन वेल विदाउट इट, और इसे क्या हो जाता है, ये इंसान इसके साथ आदि हो जाता है, और फिर इस ड्रग्स के बगैर जो हमारे पास क्या है, एडिक्टिव ड्रग्स हैं, इनके बगैर इंसानी जिस्म जो है वो काम नहीं कर सकता। जो यूज़र होते हैं, जो बार बार यूज़ करते हैं एडिक्टिव ड्रग्स को, उसे एडिक्शन हो जाती है, वो डिपेंडेंट होते हैं फिर उस ड्रग्स पर, और उस ड्रग के बगैर उसकी बॉडी का फंक्शन जो है नॉर्मल फंक्शन वो ठीक तरीके से नहीं होता, फिर वो बार बार वो ड्रग यूज़ कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। अब आज इसकी सोर्सेज की तरफ, की सोर्सेज ड्रग्स की सोर्सेज कौन कौन से हैं। सो डिफरेंट सोर्सेज है हमारे पास ड्रग्स की। फर्स्ट वन जो है वो है प्लांट सोर्सेज, यानी प्लांट से हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, हासिल कर सकते हैं, और कौन से,
प्लांट के लीव से, रूट से, फ्लावर से, सीड से, फ्रूट से, सेप से, बार्क से, इन तमाम चीज़ों से हम प्लांट के इन डिफरेंट पार्ट से हम ड्रग्स को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्विनिन एक ड्रग है जो एंटी मलेरियल है, जो सेंचोना प्लांट्स के बार्क से हम ले सकते हैं। ठीक है, ये इसकी सोर्स है। अच्छा, स्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी कहते हैं, ये लेमन में इसकी जूस में होते हैं, इसे ये हासिल किया जा सकता है। मॉर्फिन जो है ये अफ्यूम प्लांट के सैप में होता है। तो ये हमारे पास वो ड्रग्स के, ये वो प्लांट्स हैं जिसमें ये होते हैं, और ये वो पार्ट है जिनसे हम इसे हासिल कर सकते हैं। एनिमल सोर्सेज के कौन कौन से हैं? फिश लीवर ऑयल, इंसुलिन हम डिफरेंट एनिमल से हासिल कर सकते हैं, एंड बीज वैक्स। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एनिमल सोर्सेज है। अच्छा, जो मैनुअल सोर्सेज हैं, मैनुअल से जो हम आयोडीन हासिल करते हैं, आयोडीन जो स्किन के लिए या और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, तो ये हम हासिल कर सकते हैं कहाँ से? मैनुअल से। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सोर्स है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन है या न्यूमाइसिन है या टेरामाइसिन है, ये हमारे पास डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो हम बैक्टीरिया से हासिल कर सकते हैं, मीन ये इसकी सोर्स है। अच्छा, पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ये हम फंजाई से, इसकी सोर्स क्या है? फंजाई। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास इन चीज़ों की सोर्स है। सिंथेटिक सोर्सेज मीन के हम ड्रग सिंथेसाइज भी कर सकते हैं लेबोरेटरी में, मगर याद रखें कि इसकी ओरिजिन फिर भी नेचुरल होगी। ये हम नेचुरल चीज़ों से लेंगे, मगर इस पे थोड़ी मॉडिफिकेशन की जाती है, और इसे मॉडिफाइड ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं? मॉडिफाइड कर देते हैं। ये लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक है या वैक्सीन से या हार्मोन है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्प्रिन की एग्जांपल ले लें, तो इसकी जो सोर्स है वो फिर भी क्या होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी, मगर इसमें थोड़ी चेंजेस की जाती है इनसाइड द लेबोरेटरी, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। तो ये हमारे पास ड्रग्स के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गए ड्रग्स की डिफरेंट टाइप्स और फिर सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।